वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व ऑन ग्लोबली हुई डेट। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन हुई डेट, ये मनाया जाता है मई 5 तारीख को। कल ही इसका डे डे गया, हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसको आल्सो बोला जाता है कि हैंड हाइजीन डे, ठीक है। तो इसका टैगलाइन मतलब थीम क्या था देख लेते हैं। थीम ऑफ दिस कैंपेन इज सेफ क्लीन, सेव लाइफ, क्लीन योर हैंड्स। हाथ साफ रखो और क्लीन हैंड रखो और अच्छे से जिंदगी जियो, ठीक है। तो ये कल ही डेट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सेटेलाइट कृत M2 मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। कौन सा कंट्री जो कि फर्स्ट रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सेटेलाइट अंकित्रा अर्टिका M2 मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए कौन सा कंट्री ने किया? ये हाल ही में रूसिया ने किया, कल ही, ठीक है, रूसिया किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वर्ल्ड लेटर डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन हुई डेट। वर्ल्ड लेटर डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन दिस ईयर मई 3, दिस ईयर मई 3, मई 3 को मनाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में फर्स्ट संडे, फर्स्ट संडे, फर्स्ट संडे, संडे ऑफ मई की पहला संडे को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लेटर डे कब मनाया जाता है? मई 3 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा हैज बैंड इंडियन प्लेयर संदीप कुमारी फॉर 4 ईयर्स आफ्टर फेलिंग ए ड्रग टेस्ट सी वॉज एसोसिएटेड विद हिज गेम। वाडा ने बैन किया इंडियन प्लेयर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए। वो कौन सी गेम के लिए एसोसिएटेड थे? वो एसोसिएटेड थे डिस्कस थ्रो, ड्रग टेस्ट के दौरान उनको 4 साल के लिए बैन किया गया है, ठीक है। वाडा ने बैन किया। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाडा का हेडक्वार्टर क्या है? मोनोट्रोला कनाडा, मोनोट्रोला कनाडा। एंड वाडा का प्रेसिडेंट है, वाडा का प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांक, विटोल्ड बांक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड-19 डिजीज नेम्ड कोविड का था ही इज आवर व्हिच मिनिस्ट्री। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया कोविड-19 डिजीज के थ्रू, कोविड का था। अभी हाल ही में देश में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके ऊपर एक गाइड, मल्टीमीडिया गाइड उन्होंने लॉन्च किए गए, वो है कोविड का था, जिसका नाम है कोविड का था ही इज आवर व्हिच मिनिस्ट्री। वो कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री है? वो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड-19 डिजीज नेम्ड कोविड का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम जान लेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्ट्री तो आपको पता है अमित शाह जी ने, जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है आपको? GS शेखावत, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी पा लेते हैं। द गाइड इज लॉन्च्ड बाय 50th ओकेजन ऑफ DST। DST का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे। DST के फाउंडेशन के डे के दौरान ये लॉन्च किया गया है कोविड का था, ठीक है। अभी अबाउट DST के बारे में कुछ जान लेते हैं। DST का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इज ए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक पार्ट, मतलब एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका इट वॉज फाउंडेड ऑन मई 1971। कब मनाया जाता है? मई 1971, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। DST डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और DST के फाउंडेड मई 1971 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन हुई डेट एवरी ईयर सिंस 1992। 1992 से इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन हुई डेट, ये मनाया जाता है मई 5 को, कल ही गया इसका डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? मई 5 एवरी ईयर सिंस 1992, ठीक है। मिडवाइफ इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। थीम ऑफ 2022
2020 इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, मिडवाइफ विथ वोमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज एंड यूनिटी, आवर टाइम इज नाउ। अभी हाल ही में देश में जो कोरोना वायरस चल रहा है, मिडवाइफ्स का बहुत ज़रूरी है, एक मेडिकल के लिए और एक हॉस्पिटल के लिए इनका जान मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए उनको अभी हाल ही में इनका डे मनाया गया, ठीक है। ये 1992 से मनाया जाता है, अभी ही गया है इसका मई 5 तारीख को इसका डेट। थीम तो आपको पता चल गया है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ईयर ऑफ 2020 इज डिजाइंड बाय ईयर बाय व्हिच ईयर बाय WHO, डिजाइंड कौन सा ईयर 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ईयर माना है। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ माना गया है, ठीक है। इस दिन था ये कब, ये इस दिन 2200th एनिवर्सरी फ्लोरेंस नाइटिंगल जो कि एक नर्स थे उनके दौरान ये ईयर ऑफ नर्स 2020 को मनाया गया कि ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, सॉरी अभी इससे जानकारी पहले WHO के बारे में कुछ जान लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है, टेड्रोस अंधम हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, हेडक्वार्टर। और अभी हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन है WHO को रिलेटेड, जो भी कोरोना से रिलेटेड वो WHO के थ्रू ही आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है। व्हिच टेक्निकल फिल्म पार्टनर विद बॉलीवुड टू लॉन्च ए होम टू होम फाउंडराइज कॉन्सेप्ट आई फॉर इंडिया, कौन सा टेक्निकल फिल्म ने बॉलीवुड के साथ पार्टनर होकर एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया कौन सा, फेसबुक ने लॉन्च किया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट फीचर्ड स्टार्स लाइक AR रहमान सर ने, आमिर खान जी ने और ऐश्वर्या राय बच्चन ने, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा एंड उनका हस्बैंड निक जोन्स, ये सारे इस कॉन्सेप्ट में लिंक हुए आई फॉर इंडिया में, ठीक है। ये एक लॉन्च किया गया फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ मिलके, आई फॉर इंडिया लॉन्च है, होम टू होम फंडराइजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, सॉरी फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक का CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US। ये जो आई फॉर इंडिया लॉन्च किया गया, ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करके सारे लोगों को, मतलब अभी देश में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल क्राइसिस जो दिखाई दे रहा है उसको ठीक करने के लिए ये सारे बॉलीवुड फेसबुक बॉलीवुड के साथ मिलके ये लॉन्च किया है आई फॉर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसैन गेट्स लाइफ टाइम बैन फ्रॉम टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट, ही वॉज फ्रॉम व्हिच कंट्री। टेनिस प्लेयर यूसुफ होन्स गेट ए लाइफ टाइम बैन इनको किया गया है फ्रॉम टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट, ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट, वो इजिप्ट के है, उनको बान किया गया है ड्यू टू करप्शन चार्जेस एंड मैच फिक्सिंग चार्जेस इनके ऊपर था करप्शन चार्जेस एंड मैच फिक्सेशन चार्जेस, इसीलिए इनको बैन किया गया है, लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाउ मेनी इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विथ पुलिटजर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी। हाल ही में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलिटजर प्राइज ऑनर किया गया है, वो कितने इंडियन जर्नलिस्ट ने पुलिटजर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी इनको दिया गया है, 3 जिनका फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बताएंगे इसका इन तीनों का नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। ये तीनों को दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी, अभी लॉकडाउन कवरेज कर रहे हैं इसलिए इनको मिला, ये तीनों को पुलिटजर प्राइज दिया गया है। पुलिटजर प्राइज अवार्ड और भी बहुत सारे फील्ड में दिया रहा है, इनको फोटोग्राफी के फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हु एज्यूम्ड कमांड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव शुक्ला, फोटो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इज द कमांड ऑफ ATRAC, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे इन 2020,
2020 में वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया? मई 5 तारीख को, कल ही इसका डेट गया। ये मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मई, मई के फर्स्ट ट्यूजडे में इसको मनाया जाता है। थीम क्या था 2020 का? इनफ अस्थमा डिजीज, अस्थमा यानी कॉफ, अंदर हार्ट के अंदर मतलब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगा, अस्थमा जो इफेक्ट करता है और ब्रीदिंग के लिए हमारे को बहुत तकलीफ होगा। इनफ अस्थमा डेथ्स इज द थीम ऑफ 2020। ये मनाया गया मई 5 को, ठीक है, कल ही गया इसका डेट, लेकिन ये एक्चुअल में मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मई, ठीक है। तो ये था दोस्तों 6 मई की, मतलब आज की करंट अफेयर्स, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाल ही में मैं आज से एक नया इनिशिएटिव लिया हूँ कि वीडियो के लास्ट में एक आपको मैसेज दूंगा, आपको अच्छे के लिए एक मैसेज दूंगा। तो चलो दिखाता हूँ फोटो आपके, आपको अपने गोल पर फोकस करो, लोगों की बकवास पर नहीं। जिंदगी में अपने गोल पर इतना फोकस करो, चाहे वो छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो, हमेशा अपने गोल को फोकस करो, अपना गोल को ही सपना देखो, अपना गोल के पे ही काम करो और लोगों की बकवास पर नहीं। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे लेकिन लोगों के बकवास पर मत कभी ध्यान देना, अपने फोकस पर ही ध्यान देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।